अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने YouTube SEO का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि YouTube SEO क्या चीज़ है और YouTube के आप SEO कैसे कर सकते हैं। उसमें कुछ वेज हमने बताए थे। आज की ये वीडियो हमारी पूरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें हम कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम सीखेंगे कि भाई YouTube के जो कीवर्ड्स हैं वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स क्या चीज़ हैं। उसमें हम जब हम टाइटल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें किस तरह कीवर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए। चलें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फेसबुक मार्केटिंग की। फेसबुक मार्केटिंग बजाते खुद एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। अब इसी के एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की। फेसबुक मार्केटिंग फॉर बिजनेस, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जांपल है। मींस अगर कोई शख्स फेसबुक मार्केटिंग सर्च करेगा तब भी आपकी वो वीडियो आएगी, और अगर कोई शख्स फेसबुक मार्केटिंग फॉर बिजनेस करेगा तब भी आपकी वीडियो आएगी। थर्ड में फेसबुक मार्केटिंग विद द बिजनेस पेज, फेसबुक प्रमोशन विद द बिजनेस पेज, ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एग्जांपल्स हैं। सपोज अगर कोई बंदा अपने पेज को प्रमोट करना चाह रहा है, उसके बारे में टिप्स जानना चाह रहा है, तो यूट्यूब पे आके जब वो लिखेगा फेसबुक मार्केटिंग फॉर अ बिजनेस, या फिर लिखेगा फेसबुक मार्केटिंग विद अ बिजनेस पेज, या फिर व्हाट्सएवर कुछ भी इस तरह के, फेसबुक एड्स एजेंसी, कुछ भी इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह जब वो आके यहाँ पे टाइप करेगा तो उसमें आपकी वीडियो शो होगी। इन ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का फायदा ये होता है कि आपकी जो वीडियो है ज्यादा रिकमेंडेशन में आती है, यूट्यूब ज्यादा रिकमेंड करता है और ज्यादा रैंकिंग में आती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ही आपने कोई ऐसी लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने हैं तो उसकी लेंथ मैक्सिमम 60 से 70 वर्ड रखिएगा अपने टाइटल में यूट्यूब की वीडियो के अंदर, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सपोज योगा। अब योगा बजाते खुद एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है, बिल्कुल योगा खत्म। अब इसकी लॉन्ग टेल एग्जाम्पल्स क्या है, योगा फॉर अ ओल्डर पीपल, ठीक है, कि भाई आप अपनी इस वीडियो में योगा जो मतलब बूढ़े लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई बूढ़े लोगों को योगा कैसे करनी चाहिए, ठीक है। उसकी सेकंड एग्जांपल है लॉन्ग टेल कीवर्ड की योगा की, जेंटल योगा फॉर अ ओल्डर पीपल हु आर आउट ऑफ शेप, ठीक है। मीन्स कि उसमें कम अज कम 3, 4, 5 वर्ड होने चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। ज्यादा आपने यही यूज करने हैं अपनी वीडियोज के अंदर, अपने टाइटल्स के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने टैग्स के अंदर। इसका फायदा ये होगा आपकी वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी रैंकिंग में आएगी, और इतनी जल्दी आप कह सकते हैं उसको कि बाज दफ़ा ऐसा भी पॉसिबल है, कह लें उसमें चांसेस मौजूद हैं कि आपकी वीडियो विद इन आवर्स रैंकिंग में चली जाए। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है जी, बेस्ट योगा मैट, ठीक है, योगा पैंट्स, योगा क्लास, व्हाट्सएवर, कुछ भी इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा सोचने वाला काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली देखें, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग दे रहा है, तो उस पर अगर थोड़ी सी हम मेहनत कर भी लेंगे तो आई थिंक ये घाटे का सौदा नहीं है। हम सभी लोगों को उस पर मेहनत करनी चाहिए। अपनी वीडियो जब अपलोड करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करने। अब सपोज आपका चैनल एक कुकिंग चैनल है आपका, ठीक है, अब उसके रिलेटेड आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, सिंपली आप कुकिंग, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब कुकिंग के लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जाम्पल कुकिंग चिकन, ठीक है, तो उसके बाद आप कुछ भी इस तरह का और कुछ चंद एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आप एग्जाम्पल एक ले लें, कुकिंग चिकन कैलिफोर्निया रेसिपी, ठीक है, तो मलाई बोटी रेसिपी, कुछ भी इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऐसे कीवर्ड जो आप समझते हैं कि लोग कुकिंग के रिलेटेड सर्च करते हैं, आपने आप खुद से सोचना है आप किस चीज़ के रिलेटेड चैनल है और आपको किस चीज़ के रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुकिंग की, तो उसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुकिंग चिकन कैलिफोर्निया रेसिपी, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, स्पाइसी हेल्थी लो कोलेस्ट्रॉल रेसिपी, ठीक है, कुकिंग टिप्स, बेस्ट कुकिंग टिप्स, एडवांस कुकिंग टिप्स, कुकिंग वर्कशॉप्स इन न्यूयॉर्क, कुकिंग वर्कशॉप इन पाकिस्तान, बेस्ट कुकिंग वर्कशॉप्स, या फिर बेस्ट कुकिंग चैनल, बेस्ट कुकिंग रेसिपीज, ये सभी एग्जांपल्स कुकिंग की हैं। सपोज अगर आपका चैनल टेक का है, ठीक है, तो आपने टेक के रिलेटेड सोचना है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने जा रही है, तो आपको बता रहे हैं कि आपने खुद से क्या सोच के टाइटल के अंदर राइट करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये कोर्स बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएगा, जैसे जैसे हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे, उसमें हम आपको कुछ टूल्स बताएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स बताएंगे जो कि ऑटो आपके लिए ये काम करेंगे, आपके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करेंगे,
आपको सजेस्ट करेंगे कि ये कीवर्ड आपकी वीडियो के लिए सूटेबल है, और आपको बताएंगे वो वाले टूल्स की ये जो है, मतलब आपने कीवर्ड यूज़ किया या इससे आपकी वीडियो प्रमोट होगी नहीं होगी, रैंक में जाएगी नहीं जाएगी, और अगर रैंकिंग में जाएगी तो किस हद तक इस पर व्यूज़ आ सकते हैं, और अगर रैंकिंग में नहीं जाएगी तो किस हद तक इसमें व्यूज़ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ना आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।